करनाल के घरोंडा में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के मकान को अपना निशाना बनाया। इस वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि अज्ञात चोर अलमारी से गहने व नकदी चुरा कर ले गए, जबकि कुछ इम्पोर्टेड सामान माइक्रोवेव व कपड़ों में आग लगा दी। बता दें कि करनाल के घरोंडा डिंगर माजरा रोड पर शराब ठेके के पीछे एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश पाल संधु द्वारा मकान किराए पर लिया गया था। उनके मकान के पास ही अपना प्लाट खरीद रखा था और वहां पर अपना घर बनाने की योजना थी। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर उस घर में परिवार सहित रहने आया था। रिटायर्ड इंस्पेक्टर व उसके बेटे ने घर का ज्यादातर सामान नए किराए के मकान में पहुंचा दिया था। यह मकान एक फौजी का बताया जा रहा है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर पहले जिस मकान में रहता था वहां केवल एसी व एलईडी टीवी आदि सामान बचा था। रात होने के कारण परिवार वालों की योजना बनी कि सवेरे एसी व टीवी को उतरवा कर नए किराए के मकान में ले जाएंगे, इसलिए वे रात को पुराने मकान में ही ठहर गए। इसी दौरान रात के समय अज्ञात चोरों ने नए मकान पर हाथ साफ कर लिया। अज्ञात चोर अलमारी से गहने व नकदी चुरा कर ले गए, जबकि कुछ इम्पोर्टेड सामान माइक्रोवेव व कपड़ों में आग लगा दी। सूचना मिलते ही घरोंडा पुलिस थाने के कार्यकारी प्रभारी कंवर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने एसएफएल टीम को सूचना दी। टीम ने साक्ष्य जुटाकर जांच आरंभ कर दी है। एक्चुअली यहाँ पे मकान शिफ्ट कर रहे थे जी, तो हमने कल शाम तक 11 बजे तक सारा सामान मोस्टली शिफ्ट कर दिया था जी। तो गर्मी होने के कारण तो हम सोचा कि सुबह 10 बजे जो बाकी सामान बचा हुआ है सुबह ले आके और यहीं शिफ्ट कर दें। तो रात को 11 बजे तो हम ये सब कुछ प्रॉपर अच्छी तरह लॉक करके गए। तो जैसे ही सुबह हम 10 बजे आए तो मेन ताला बिल्कुल ओके था। अंदर जाके देखा, गेट खुला जैसे तो अंदर नज़ारा ही कुछ और था। क्या मिला अंदर? देखा सब कुछ सामान पर आग लगा रखी है जी। और सारी की सारी अलमीरा थी, सारी की सारी तोड़ी हुई है अच्छी तरीके से, क्योंकि सब अलमीरा लॉक थी जी। लॉक करके हम खुद चेक करके गए थे। तो उसमें क्या क्या सामान रखा था? उसमें ज्वेलरी थी, वाइफ की ज्वेलरी थी, बच्चों की छोटी छोटी ज्वेलरी। में क्या क्या आइटम थी ज्वेलरी में? इसके मंगलसूत्र थे, कंगन थे, हार था, कई लॉकेट। आपने थाने में शिकायत दे दी? थाने में सुबह हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, जो कि थाने में गए थे तो थाने में पुलिस वाले क्वारंटाइन किए हुए हैं। तो वहाँ पर जो भी मिला उन्होंने ये कहा, सर आप दरखास्त कल दे देना, आज हमारे सारे एम्प्लॉइज क्वारंटाइन हैं। तो हमने 100 नंबर पे करके फ़ोन किया तो उन्होंने PCR भेज दी थी। तो PCR अपना एक बार मुआयना करके चले गए। ये सारी आपके डैडी पुलिस में थे? हाँ, पुलिस में SHO थे, अभी वो रिटायर हुए हैं 2015 में। तो अब उसके बाद यहाँ पे अपना घर बनाना था यहीं पे, तो सोचे थे यहीं कि यहीं शिफ्ट कर लेंगे उस चीज़ को, तो इसीलिए यहाँ मकान लिया था हमने। कुल कितना नुकसान हो गया आपका यहाँ पे? कुल कम से कम 10-12 लाख के आसपास नुकसान आएगा। सारा फर्नीचर जल गया है, सारे कपड़े जल गए हैं, गोल्ड का सुना था सारा का सारा चोरी हो गया। अब बस कुछ नहीं बचा हमारे पास। आप जाकर अंदर देख सकते हो, सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अंदर कुछ नहीं है उसमें। तो अभी तो हमें तो ये लगा लो 0 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा अपने आप को। जितना भी आज तक सामान जोड़ा था सबका सब चोरों ने आके हवाले कर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.